इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव, कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। शैलेख यानी 333 ग्राम वजन की एक शैलेख जो बनती है उसमें 100,000 कीड़ों को मारा जाता है और इसका प्रयोग कैडबरी कंपनी के जेम्स व नाटीज में मुख्यतः से मिलाया जाता है। जो कैडबरी कंपनी है, कैडबरी चॉकलेट जो बनाती है, उसमें जेम्स और नाटीज ये जो उसमें मिलाए जाते हैं। वह विचार करें 333 ग्राम 100,000 जीवों की हत्या करके बनाया जाता है और आपके बच्चे और आपकी समाज ये खा रहे हैं। थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा जैन कहने के पहले अपना गरेबान झांक लें, अपने इस बेईमान मन से पूछें कि हम जैन हैं क्या? केवल जैन नाम लिखने से कोई जैन नहीं होता, जैन के कारनामे क्या है। एल्बुमेन, एक एल्बुमेन आता है, ये अंडे की जर्दी इसे अपन कह सकते हैं। एल्बुमेन जो है वो अंडे की जर्दी है जिसका प्रयोग मिठाइयों में और ब्रेड में किया जाता है। मिठाइयों और ब्रेड पर पड़ने वाली परत इस एल्बुमेन की देन होती है। यह बर्गर में ऊपर चिकनापन बनाने में किया जाता है तथा इस पर तिल के दाने चिपका दिए जाते हैं। जी जो एल्बुमेन होता है ये उसके ऊपर तिल के दाने चिपका देते हैं और जो बाजार का आटा खरीदती हैं महिलाएं वो थोड़ा और सावधान हो जाए। बाजार के आटे में क्या है? कुछ मशहूर ब्रांड के रेडीमेड आटे में मछलियों का चूर्ण मिलाया जाता है और हड्डियों का पाउडर मिलाया जाता है। किस लिए? इसलिए। और वो मछलियाँ कैसे प्राप्त होती हैं? इन्हें समुद्र के किनारे पर लहरें जो आती हैं और वापस चली जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो मछलियाँ उस किनारे में रेत में रुक जाती हैं और उन मछलियों को धूप में सुखा करके उनका पाउडर बनाकर आटे में मिलाया जाता है जिसमें आपका आटा खराब ना हो और वो ज़्यादा दिन चले। डिब्बा बंद जूस आते हैं और बच्चे बहुत जूस पीते हैं, बताते बंदर भी जूस पीता है। मथुरा के अंदर जो 10 रुपए का एक पैकेट आता है जूस का, अब उसमें एक छोटी सी नली लगी होती है तो मथुरा के अंदर क्या करते हैं बंदर, आपका मोबाइल ले जाएंगे, आपका चश्मा ले जाएंगे और चले जाएंगे किसी ऊंचे स्थान पर और वहाँ कुछ बदमाश लड़के अपना बिजनेस करते हैं और वो बाबूजी आपका मोबाइल, हाँ यार वो मोबाइल ले गया बाबूजी, ये एक जूस का पैकेट बंदर को दे देते हैं वो आपका मोबाइल वापस कर देगा और जो 10 रुपए का बिकता है जूस वो 20 रुपए का देता है। मरता क्या नहीं करता, अब वो एक पैकेट यूँ फेंकता है और बंदर मोबाइल छोड़ करके चला जाता है, चश्मा छोड़ करके चला जाता, 10 के 20 लेता है और वो बंदर उस जूस को उस नली से पीता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जूस डिब्बा बंद या प्रसंस्कृत जूस को लगातार सेवन से आंतों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये लंदन कह रहा है यह खतरा उन लोगों में अधिक हो सकता है जो प्रतिदिन 3 गिलास से अधिक जूस पी लेते हैं। इसका खुलासा ऑस्ट्रेलिया में हुए एक शोध से पता चला है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के जूस में पाई जाने वाली शर्करा से आंतों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। समाचार पत्र डेली मेल के अनुसार शोधकर्ताओं ने 22
यानी 2,200 लोगों को खान पान के आधार पर यह निकाला कि 2,200 लोगों का टेस्ट हुआ और इससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी आपके जीवन में हुई। तो हम अहिंसा की बात करना और अहिंसा से बात करने की बात जो 4-5 दिन पहले मैंने आपसे कही थी, तो आप समझें केवल बातें करने से कुछ नहीं होता, कुछ जीवन में करने से होता। बहुत सारे लोग अहिंसा की बात करते हैं, बौद्ध ने भी अहिंसा की बात की है, यीशु ने भी अहिंसा की बात की है, मगर भगवान महावीर ने अहिंसा से बात की है। अहिंसा की बात और अहिंसा से बात में जमीन और आसमान का अंतर है। समझें कि अहिंसा क्या है। यीशु ने अहिंसा की बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मगर उन्होंने अपने फॉलोवरों के लिए कभी ये नहीं कहा कि तुम मांस मत खाओ। यीशु ने स्वयं जब उनके फॉलोवर उनके पास गए तो उन्होंने मछली और रोटियां दी उन्हें खाने के लिए। और आज जितनी ईसाई समाज है आप देखें, सारे के सारे मांसाहारी हैं। स्कूल के टीचर, क्रिश्चियन स्कूल के टीचर भी मांसाहारी हैं, और उनके स्कूल में सब कुछ अलाउ है। आमलेट भी ला सकते हो, मुर्गा भी ला सकते हो, सब कुछ ला सकते हो। और क्रिश्चियन स्कूल में एक बच्चों के टिफिन का शेयर करते हैं, तुम एक दूसरे को अपना भोजन दो। अब मान लीजिए सामने वाला बच्चा अंडा लेकर के आया है, अंडे का आमलेट लेकर के आया है, और तुम्हारा बच्चा पराठा लेकर के गया है, तो वो एक टुकड़ा पराठे का उसको देगा तो वो एक आमलेट का एक टुकड़ा उसे दे देगा। अब तुम्हारा बेटा भी आमलेट खा के आया है, कुछ दिनों में वो कहेगा मम्मी आमलेट बनाओ। अलवर के अंदर ऐसी एक घटना घटी, बच्चे सेव करते थे और कुछ दिन के बाद वो बच्चा कहता अपनी माँ से, माँ आप आमलेट क्यों नहीं बनाती हो, हमारा दोस्त है वो रोज आमलेट लाता है और मैं भी उसका एक टुकड़ा आमलेट खाता हूँ। उसकी माँ रोने लगी कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, अपन जैन है, अपन कोई छोटे लोग नहीं है, अपन शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, पवित्र, अपन अहिंसा धर्म के पालक हैं और तुम क्या खा रहे हो। अब वो बच्चा तो जिद कर गया कि माँ आप आमलेट बनाइए। फिर जब मेरे पास वो लेकर के आई, मैंने उसे 1 घंटे समझाया और कहा बेटा ये एक आमलेट खाना यानी एक मुर्गी को खाना है, क्या तुम मुर्गी खाओगे। मैंने उसे कीड़ा दिखाया, हमने इस कीड़े को तुम खाओगे, बोले नहीं। हमने ये मकोड़ा खाओगे, नहीं। तो हमने कहा वो तो इससे बड़ा जीव है। और एक चित्र दिखाया कि अंडे में से चूजा निकलता हुआ, तो उसने कहा ये अंडे में चूजा होता है। मैंने हाँ एक छोटी मुर्गी होती है अंडे में। अब बोलो आमलेट अंडे से बनता है यानी वो मुर्गी के चूजे से बनता है। वो बच्चा तड़प गया और बेहोश हो गया, वहीं कमरे में बेहोश हो गया। उसके ऊपर जब ठंडा पानी डाला, थोड़ी अमृत धारा सुंघाई, हवा कराई, जब वो होश में आया, 11-12 साल का बच्चा था, जब उसे बताया गया कि बोलो बेटा अब तुम क्या करोगे, क्या अपने दोस्त के टिफिन की वस्तु खाओगे, उसने कहा नहीं अब मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रह सकता हूँ मगर अपने दोस्त के किसी भी दोस्त के टिफिन की वस्तु नहीं खाऊंगा। पर आपके बच्चे जितने कॉन्वेंट्स में जा रहे हैं, ये एक दूसरे का भोजन कर रहे हैं और ये चूजा अंडा खा रहे हैं, और हम अहिंसा की बात कर रहे हैं, हम अपने आप को जैन की गरिमा से विभूषित कर रहे हैं। थोड़ा सा विचार करें, हम क्षत्रिय ब्राह्मण, हम राम के भक्त बनना चाहते हैं, हनुमान के भक्त बनना चाहते हैं, हम मुख से राम के जय जयकार लगा रहे हैं और मुंह में क्या डाल रहे हैं, अंडा खा रहे हैं। हम भगवान महावीर का जयकारा लगा रहे हैं, हम भगवान राम का जयकारा लगा रहे हैं, हम राम की बारात निकाल रहे हैं, हम जनकपुरी बना रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, मगर हम खा क्या रहे हैं। समझें, समझने का प्रयास करें। और ये अहिंसा की बात यीशु ने भी तो की, मगर अपने फॉलोवरों के लिए मछली और अंडा भी उन्होंने बांटा। बौद्ध भी अहिंसा की बात करते हैं, बौद्ध भी अहिंसा की बात करते हैं, मगर बौद्ध दर्शन के फॉलोवर
आज पूरा चाइनीज बौद्ध धर्म से विभूषित है, जापान, मगर ये क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं इनके बच्चे, क्या खा रहे हैं ये, क्या खा रहे हैं। कोरोना के अंदर जब मैं बिजोलिया के अंदर था तो मुझे एक वीडियो दिखाया गया, 3 साल के बच्चे को एक माँ, प्लेट में पानी है और उसमें छोटे छोटे काले काले कीड़े उस प्लेट में चल रहे हैं और एक एक कीड़ा वो चम्मच में लेकर के अपने 3 साल के बच्चे को जिंदा कीड़ा खिला रही है। जैसे एक शाकाहारी माँ, एक अहिंसक माँ अपने बेटे को बिया खिलाती है, सिमैया खिलाती है अपने घर में शुद्ध दूध में बनाकर, वैसे वह माँ उसे वो खिला रही है और वह बच्चा कच कच करके उनको कचर कचर करके खा रहा है। कहाँ है बौद्ध के सिद्धांत, कहाँ है बौद्ध की बात। बंधु विचार तो करें कि हम अहिंसा की बात करना और अहिंसा से बात करने में कितना अंतर है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं अहिंसा की, तो बौद्ध ने भी अहिंसा की बातें की और बौद्ध के सारे फॉलोवर आज उनके साधु संत भी पता नहीं क्या क्या खाते हैं। और जब बौद्ध का एक शिष्य बौद्ध से कहता है, भंते मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूँ, मुझे भिक्षा कैसी लेनी चाहिए। बौद्ध कहते हैं कि तुम अपना पात्र लेकर के जाओ और तुम्हारे पात्र में जो भी वस्तु आ जाए उसे तुम ग्रहण कर लो। आनंद नाम का शिष्य था और वह आनंद जब भिक्षा के लिए गया तो पात्र को यूं लेकर के जा रहा था और जहां भी जाता पात्र को यूं करता, उसी समय आकाश मार्ग से कोई चील एक मांस का टुकड़ा लेकर के जा रही थी और दूसरी चील उसके पीछे पड़ गई और दोनों चील लड़ने लगे तो चील के मुख से मांस का टुकड़ा नीचे गिरा और काक ताली न्याय से वह मांस का टुकड़ा उस आनंद के पात्र में जाकर के गिर गया। काक ताली न्याय वो कहलाता कि अचानक कोई घटना घट जाए, उसे काक ताली न्याय कहते हैं। जैसे एक पेड़ से आम गिर रहा था उसी समय कोई कौवा निकला, उसके मुंह का एंगल बना, उसने उसको पकड़ लिया, ये काक ताली न्याय कहा जाता है। तो ऐसे जब वो आनंद के पात्र में मांस का टुकड़ा गिरा वो घबरा गया और एकदम भागते भागते बौद्ध के पास आया और कहता, भंते हमारे इस पात्र में मांस गिरा हुआ है, मीट गिरी हुई है, इसका क्या करना है। बौद्ध कहते हैं तुमने मारा तो नहीं है। बोले नहीं है। बोले ये अपने आप गिरा ऊपर से। बोले इसे खा लो। आप देखें चाइनीज के अंदर गरम तवे के ऊपर जिंदा मछलियां पकड़ पकड़ करके डालते हैं, अब वो तड़पती रहती हैं, अब वो सिक जाती हैं, उसे वो खा लेते हैं। कहते हमने मारा नहीं, वो तो मर गई। वो कहते मारो मत, कमरे में एक जानवर को बंद कर दो, 2-4 दिन में भूखा प्यासा मर जाएगा, उसे तुम खा लो, वो तो मर गया, तुमने मारा नहीं। तो ये अहिंसा है क्या? विचार करें, जिस चाइनीज से हम सामान खरीद रहे हैं वो चाइनीज हमारे पैसे का कितना बड़ा दुरुपयोग कर रहा है। तो ऐसी चीजों का बहिष्कार भी करना चाहिए। सारे भारत के लोगों को चाइनीज चीज का बहिष्कार करना चाहिए। अभी पूज्य श्री ने इसके दो कुछ दिन पहले बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन दिया था। आप विचार करें, अहिंसा की बात करना और अहिंसा से बात करना, जितने लोग आज अहिंसा की बात कर रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं से हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। और भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा, इस अहिंसा को देखें। महावीर एक बालक अवस्था में थे, बहुत छोटी अवस्था में माँ के साथ उंगली पकड़ करके एक बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। उनकी माँ का पैर घास के ऊपर पड़ा। महावीर चिल्लाए, माँ माँ क्या तू मुझे मारना चाहती है। माँ कहती, बेटा क्या बात करते हो। बोले देखो माँ, मेरी पीठ पर तुम्हारे पैर का निशान, देखो माँ हमारी पीठ पर तुम्हारे पैर का निशान। माँ कहती है ये क्या कह रहे हो।
और महावीर अपनी शर्ट कमीज को उठाते हैं, माँ के पैर का निशान था। बेटा ये कैसे हुआ? माँ तू जिस घास के ऊपर चल रही है उसमें वही आत्मा है जो मेरे पास आत्मा है, वही आत्मा उस घास में। इस पेड़ में प्राणी मात्र की आत्मा अलग अलग है माँ, और तुम इसे पैरों से कुचल रही हो। माँ कहाँ गई तुम्हारी दया करुणा प्रेम वात्सल्य आत्मी भाव? माँ कहती है क्या हुआ? और आप भी कह सकते हैं ऐसे कैसे हुआ, कैसे हो सकता है? इसी का नाम संप्रेषण होता है। आपने एक लैला मजनू फिल्म देखी होगी, देखी ना? जब लैला, जब मजनू पिटता है तो लैला के शरीर में निशान उछलते हैं बैंत के, और जब मजनू पिटता है तो लैला के, और लैला पिटती है तो मजनू के शरीर में। ये संप्रेषण है, बहुत सारे संप्रेषण होते हैं। हम जब यहाँ किसी को याद करते हैं अगर, तो घर पे उसको याद आता कि शायद मेरी चर्चा चल रही होगी। अब वो संप्रेषण हम कितना पकड़ पाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कितनी आत्मीयता से हम उस चर्चा को कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो ये अहिंसा, महावीर ने कही कि प्राणी मात्र के अंदर जीव है। और जितने आज अहिंसा की बात करते हैं ये केवल मानवता, मानव तक अहिंसा की बात करते हैं। ये मानवता इनके अंदर नहीं है, मानव की रक्षा करना इनका काम है, बाकी मानवता का विनाश करना इनका काम है। एक भी जानवर पशु को ये जीव नहीं मानते। मदर टेरेसा ने कभी जानवरों को नहीं बचाया, उन्होंने मनुष्यों के लिए हॉस्पिटल खोला, मनुष्यों की सेवा की। तो चाइनीज की अहिंसा और यीशु की अहिंसा अलग है, और भगवान महावीर की अहिंसा प्रत्येक प्राणी के लिए है, उसकी रक्षा करने का भाव है। बंधु आपका समय हो रहा है, हम समझें अपने जीवन में कि हम कितने अहिंसक हैं, हम अपने जीवन में कितने परसेंट अहिंसक हैं। जब तक हमारी भोजन की थाली शुद्ध नहीं होगी, पवित्र नहीं होगी, तब तक हम अहिंसक कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। अगर वाकई में तुम अहिंसा धर्म को अपनाना चाहते हो तो हमें सबसे पहले अपनी भोजन की थाली का शुद्धिकरण करना होगा, अपनी खाने पीने की चीज़ों पर देख रेख करना होगी। और अगर ये देख रेख आपने कर ली तो आपका जीवन दिन दूना रात चौगना उन्नति के साथ साथ पवित्रता की ओर बढ़ेगा। हम विचार करें अपने जीवन में कि हम क्या खा रहे हैं। बाजार की चीजें, डिब्बा बंद चीजें, यानी मांस ही खाना है। सोचें, समझने का प्रयास करें। और कल से 16 कारण जो तीर्थंकर प्रकृति के वंद का कारण है, तीर्थंकर कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे। आप तैयार रहें। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम लता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी सोनवी, विवान विपुल दीप्ति जैन, हर्षित नीरव, कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड, श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर।